जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के जिथे अपनी जिंदगी दियाँ अपने जीवन दियाँ अमोलक घड़ियां तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणा कमलों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर रहे हो। उथे धन धन संत महाराज जी संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले उन्हां दी पावन पवित्र याद के संबंध में बरसी के संबंध में गुरु घर में पुज के हाजरियां भर के अपना जन्म सफला कर रहे हो। सतसंग जी पिंडां दे विच वोटां पैंदियां हन, असी वोटां दे नाल पिंडां दे विच मैंबर बना सकते हैं, मैंबरां तों सरपंच बना सकते हाँ, वोटां पा के असी MLA असी MP बना सकते, वोटां नाल चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वोटां पा के वोटां तों अगे वोटां पा के ही प्रेजिडेंट बनता प्राइम मिनिस्टर बनता। सास असी वोटां नाल मैंबर सरपंच MLA जां MP बना सकते हैं। सारी दुनिया मिल के संत जी महाराज वर्गा संत नहीं बना सकती। सतसंग जी तू एक फूल था तेरे जलवे हजार थे, तू एक साज था तेरे नगमे हजार थे, तेरी नज़र जिस ते पेंदी आहा ओ तेरा होके रह गया, जिन्हें तेरा दीदार किया उहदा जन्म सफला हो गया। दया दे सागर समुंदर मिठे मिठे बोल अज भी उन अखां विच अज भी उन कन्नां विचों मिठे मिठे बोल ओ मिठियां मिठियां बाजे दियां धुनां ओ महापुरखां दे बचन। इस तरह सतसंग जी कहते हैं जीवन दे विच महापुरखां दी संगत दा समा को बहुता लंबा नहीं मिलिया, भावें सतसंग जी पर बाबा जी अक्सर ये क्या करते सन, सतसंगत ये शरीर चलिया जाना है। कई बारी विचार चलनी भी बाबा जी कित्थे चले जाणगे, ये वचन करने अक्सर महापुरशां ने असी जो शरीर चों कढ़णा सी सतसंग जी कढ़ लिया। ये शरीर हुण संगतां दे भले वास्ते है। इहो जे महापुरश खालसा जी हर कोई अपने महापुरशां दी वडियाई करदा, बड़ियां बड़ियां हस्तियां होईयां, साडी संपर्दा विच भी बड़े बड़े कमाइयां वाले साधु होए। बाबा ज्वाला सिंह हरखोवालीए हरखोवाल हुशियार जिले दे विच पैंदा, बाबा ज्वाला सिंह हरखोवालीए जिन्हां दी हल्टी जिन्हों असी खूह कह दिंदे हां, आ बहुते लंबे समय दीआं गल्लां नहीं। जदों बाबा ज्वाला सिंह हरखोवालीए इशनान करिया करदे सन जिन्हां दी हल्टी अपने आप चलिया करदी सी, सतसंग जी लोक दूरों दूरों देख देख के खड़ खड़ के देखिया करते सन। इस संपर्दा दे विच बाबा करम सिंह खोती मरदान जिन्हां दे नाल हर समय 100 ब्रह्म ज्ञानी रहिंदा सी, जिन्हां तों 360 ब्रह्म ज्ञानी अगे होया। संत बाबा करम सिंह होती मरदान वाले महापुरखां दी इतनी कमाई सी। गुरु प्यारिओ संत जी महाराज जदों बाबा करम सिंह जी महाराज ने सतसंग जी किते जाना चादर कट्ठी करके चादर दे उत्ते बैठ के इस तरह तुर जांदे सन सतसंग जिवें जहाज उड़दा कोई गुरु की संगत। इस संपर्दा दे विच किहड़े किहड़े साधुआं दा जिक्र किया जाए, बड़े बड़े कमाइयां वाले महापुरख होए। संत जी महाराज वड्डे महापुरख इंग्लैंड की धरती ते जीवन के अखीरले समय विच कीर्तन सवा घंटा एक घंटा इन्ना कि समा लाउंदे सन।
एक समय जथेदार बाबा महिंद्र सिंह जी जो शरीर करके वहरू नूं प्यारे हो गए ने, जिन्होंने 40 वरे महापुरखों के नाल ढोलकी की सेवा की, जथेदार नूं ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, बाबा जी संगत कहिंदी आ कुछ समा कीर्तन का यादा दिया करो, कुछ कीर्तन का समा यादा लाया करो। इन्नी कमाई दे मालक, इन्नी समर्था दे मालक, चंद लकड़ी तो दुनिया तो बड़ी आ, पर बामण दी चंदन दी लकड़ी ए किते किते मिलदी आ। खालसा जी दुनिया ते फुल बड़े ने, गुलाब दे फुल दी सुगंधी दी महानता अपनी आ। दुनिया ते दरिया बड़े ने, गंगा जल दी महानता अपनी आ। दुनिया ते गुरु के संगत शेर बड़े ने, केरी नसल दा शेर ए किते किते मिलदा। सास दुनिया ते, दुनिया ते सास गहने बड़े, सोना बड़ा, हीरे बड़े, पर पारस दी महानता अपनी है। दुनिया ते महापुरख बड़े होए, बड़े बड़े साधु होए, एक दू एक चढ़ांदियां, पर संत मार दी महानता अपनी है। जिवें सूरज, सूरज दियां किरणां विच कोई फर्क नहीं हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। लोहा, लोहे तो बनियां चीज़ां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क होया करदा। जिवें साध संगत जी सोना, सोने तो बनियां चीज़ां विच कोई फर्क नहीं हुंदा, बंतर दा फर्क होया करदा। जिवें पानी, पानी दियां लहरां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, इवें साध संगत जी वेखण दा फर्क हुंदा। इवें संत जी महाराज ते रब दे विच कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। हर का सेवक हर ही जेहा, भेद न जाणो मानस देहा। ओ बख्शी रूह बख्शन वास्ते, संसार दे भले वास्ते संत जी महाराज दा अवतार धारण करना होया। संत जी महाराज अजनी दिनी दास आ लंगर वाले बाबा जी नूं लै के गया। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मगर मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। दास कहन तो संकोच नहीं करेगा, बाबा जी का जीवन किहो जिहा सी। 15-15 आ देखो तुहाडे सामने बैठे ने, ये बख्शिश नहीं, जन्म बणियां दे घराने का। खालसा जी ते 16-16 डब्बियां सिगरटां दियां पी जांदे सन, बड़ा रोकना। दास ने समझाउणा बाबा जी किहड़े कम्मां दे विच पै गए। खालसा जी मनाया बाबा जी नूं, मैं कहा बाबा जी एक बारी जरूर चलो, सचमुच 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 ओ इक पारस सी, ओ सचमुच संत मर दे चरणां दी शो जिस नूं प्राप्त हो गई। खालसा जी जिस नूं प्राप्त हो गई गुरु की संगत, उहनां दा रूप ही हो गया। दास ने बाबा जी नूं बेनती की, मैं कहा मोहन लाल ना हुंदा सी, कट्टे असीं रहिंदे हुंदे सी, दास पढ़दा सी, मकान एक सी, पर पिछले कर्म भी शायद गुरु की संगत जागण की कोशिश कर रहे सन। दुध अपने आप ज कदी दही नहीं बनता, कदे दही नहीं बनता, जाग की लोड़ हुंदी है। शायद संत मार दे चरणों में जाग लगनी सी जाके। दास पहले दिन जदों बाबा जी नूं बेनती करके, मैं पैर फड़ ले नंदे, मैं कहा बाबा जी एक बारी चलो, एक बारी जरूर चलो। बाबा जी ना मन्नियो, तुसी ना मन्नियो, पर एक बारी चलो जरूर। जदों आ लंगर वालियां नूं दास लै के गया, आप महारे उची उची रोण लग पए। मैं पूछिया बाबा जी की गल, तुसी रोए क्यों, तुसी रोए क्यों? खैर अगे जा के महापुरखां दे चरणां विच बेनती की, बाबा जी कृपा करो। बस कृपा की सी, संत मरदा सिर ते हथ रखण दी देरी सी। मोहन लाल मोहन ना रहा, मोहन दा मन मोया गया। बस मैं पूछिया क्यों रोंदा चुप ना करे, पर खालसा जी पटियाले पढ़दे सी, बाबा जी वापस आ गए। दास शाम उत्थे रहा, दूजे दिन महापुरखां दी कुर्सी फिर लगी। बाबा जी बचन बलास कर रहे सी, तां बचन करदे करदे मैनू संत जी लगे कहन लगे, वो बणियां कित्थे आ?
बस इन्नी की गल सी वो बनिया कित्थे आ जिन्हां नूं उन्हां ने बना लिया अपने महाराज। एक बारी कई गल्लां जिंदगी च आईयां, एक बारी वचन करदे करदे संत लगे कहण मान सिंह ये मुकना नहीं, जिन्ना मर्जी खर्ची जाए यह नहीं मुकना, यह धन नहीं मुकना, यह खजाना नहीं मुकना। बाबा जी कृपा ना बड़े समय आए, दूजे दिन मैं बेनती की जब महापुरखों ने पूछया छोटे जे बोलां नाल पूछया मुस्कुराते हुए पूछया वो बनिया कित्थे, दास ने कहा बाबा जी उन्हें तो दुकान है, उनका तो बिजनेस है, कम करता, कल आया सी अज नहीं आया। महापुरख बस इन्ने की बचन सन, कह लगे कट्ठे रहो जे कट्ठे रहो जे खालसा जी। पर यह मिलाप महापुरखों के बचन बाबा जी दे नाल जदों इन्हां नूं कितें लै के जाना जीवन बदल गया, घर दे रोंदे रह गए। कहिंदे ने जिहड़ी जिहड़ी कोयल है, जिहड़ी कोयल है, कोयल कोयल अपने आंडियां दे विच्चों बच्चे आप नहीं कढ़दी, आप नहीं कढ़दी। जिहड़ी कोयल है अपने आंडे काई दे आलणे विच रख के आउंदी, काई दे आलणे विच। जिहड़ी काई है, कां काई आपां जाणदे हां, जिहड़ी काई आ ना जदों आलणे अपने आलणे दे विच रखे आंडियां दे विच्चों बच्चे कढ़दी आ ना, जदों अपने बच्चे कढ़दी आलणी काई अपने आंडियां दे विच्चों अपने बच्चे कढ़दी आ ना, वह जिहड़ी कोयल आ वह अख बचा के काई की गैर हाजरी च अपने अंडे ने जिहड़े वह काई दे आलणे विच रख जांदी है। हुण अंडे तां सारे संग हैगे ने कोयल दे, पर जदों काई अपने बच्चे कढ़दी आ, काई अपने बच्चे कढ़दी आंडियां दे विच्चों नाल कोयल दे नाल कोयल दे अंडियां विच्चों कोयल दे बच्चों नूं भी बाहर कढ़ दिंदी है। आंडे भी कोयल दे, आंडे भी कोयल दे, माफ करना समझने वाली गल है, आंडे भी कोयल दे पर बच्चे भी कोयल दे। काई ने तो सिर्फ आंडियां दे विच्चों बच्चे कढ़े ने, माँ बाप ने तो सिर्फ जन्म दिता हुंदा है, महापुरख रब के पुत्र होंदे ने, खालसा जी परमेश्वर के पुत होंदे ने। पर हुण जदों काई आंडियां दे विच्चों कोयल दे बच्चों नूं बाहर कढ़दी आ, जदों काई कितें चोगा चुगण जांदी आ, पिछे जा के जी कोयल आ वह अपने बच्चों नूं अपनी बोली सिखाती आ, जाके जदों अपनी बोली सिखाती आ बच्चे बोली सीख जाते हैं, तो जदों बच्चे बोली सीख जाते ने कोयल अपने बच्चों नूं उड़ा के लै जाती है, तो काई पिछे कां कां करती रह जाती है कि ये मेरे बच्चे कोयल उड़ा के लै गई। इस तरह घर के बथेरे कां कां करते रह जाते हैं, पर यह जिहड़े रब के प्यारे होंदे ने खालसा जी जिवें काई जिवें कोयल अपने बच्चों नूं उड़ा के लै जाती है। महापुरख राड़े वाले ऐसा बाण मारिया खालसा जी, बाबा जी लंगर वाले प्रतख की लोड़ नहीं, आ करोड़ां लखां संगतां दा इकट्ठ है, इन्हें बंदियां नूं तां कोई पानी भी नहीं पिला सकदा, संगत भुलेखे च ना रह जाना। पता नहीं किन्नियां बाबा ईशर सिंह दियां बख्शिशां इत्थे कम कर रही ने खालसा जी। कह गए सुन मान सिंह शरीर करके भावें असी तेरे कोल नहीं आवांगे, पर साड़ियां बख्शिशां साड़ियां रहमतां तेरे चार्ज फेरे इस तरह कम करया करनगियां, तुहाडे चार्ज फेरे इस तरह कम करया करनगियां जिवें सूरज दियां किरणां ब्रह्मंड दे विच कम करदियां ने। संत जी महाराज बाबा मोहन जी लंगर वाले खालसा जी की किनूं किनूं दसी गए, साढ़े तुर गए दिलां दे जानी मैं किदे गल रोवां लग रोवां लग के प्यारे जी, किदे गल रोवां लग के प्यारे जानी।
कुछ जग मारे कुछ रब मारे कुछ मुक जांदे मारे तनियां दे बदे इश्क दे कदे भी छुटदे नहीं बदे इश्क दे कदे भी छुटदे नहीं छुट जांदे ने कैदी जेल खानियां दे छड़ दे उड़ीकान तैनू पैगाम नहीं आउना तेरे लई शाम हो सकदी तैनू तेरे लई शाम हो सकदी उच शाम नहीं आउना तेरी मौत हो सकदी तैनू आराम नहीं आउना औखा कम फकीरी वाला सूली उत्ते बैना औखा कम फकीरी वाला सूली उत्ते बैना दर दर दे उन्हें टुकड़े मंगने हां जी कहना जे कोई उन्हें मंदियां आखे तद भी चंगिया कहना वाट हमारी खरी उड़ीनी खनियों तिखी बहुत प्रीणी तै ऊपर है मार्ग मेरा कह फरीद नाम समाल सवेरा शीयत दर्शन करवावांगे बड़े बड़े बह के चले जांदे समा नहीं सी मिलदा गुरु प्यारियो अब बाबा जी लंगर वालियां नू जदों दास संत मर्द चरणां च लै के गया पता नहीं इहदे किन्ने क चंगे कर्म महापुरश नाले ते इहदे सिर ते हत्थ देता रख दिता ते नाले बाबा जी छोटी जी हासी मुस्कुरा पै बस राज सी खालसा जी कोई भेद सी साढ़े बापू करनैल सिंह होरी जिन्हां दा बेटा पटियाले तों मेरे नाल पढ़िया
ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਤ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਕਰਨ ਪਲਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਧਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕੁਛ ਪਾਈਏ ਨਾ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਨ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਚਨ ਕੀ ਸਨ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮਾਨੋ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਭੁੰਝੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਬਣੀਆਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭੋਰੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਿਵਰੇ ਬਗੀਚੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਾਲਾ ਸਿਮਰਨ 27 ਮਣਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਾ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਮਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਣ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੂਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਣ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਰੁਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਮਾਰਦ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਰੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਬਲਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ CEO ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਦੇ ਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ ਨਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸੋਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪਰ ਸਮਝੇ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਓ ਜਾ ਕੇ
ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲਵੇਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲਵੇਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਬੜਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਸ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂਸ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੱਝ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਹੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੌਪਾਈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ 13 ਪਹਿਰ 13 ਘੰਟੇ 13 ਘੜੀਆਂ 13 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 13 ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਪੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇ ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਸੰਤ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 6.5-6 ਮਣ ਦੇ ਭਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਕਸਾ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰੀਰ, 6.5-6 ਮਣ ਦੇ ਭਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਉਸ ਬਕਸੇ ਦੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੋ ਬਕਸਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਕਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਘ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਰਿਆਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਲੁਜ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਸ ਸਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਧੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਉਸ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਭਿੰਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਿੰਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਵੱਟੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 6.5-6 ਮਣ ਦੇ ਭਾਰੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਸ ਬਖਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਕਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਕਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ 4 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਕਸਾ ਥੱਲੇ ਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਗੇੜਾ 2 ਗੇੜੇ
तीन गेड़े महात्मा पुरशां दे इस तरह जुड़े हाथ शायद दुनिया के लोगों नूं जिवें हीर ने जाण समय अपने पिता नूं आख्या सी साडा बोलिया चालिया माफ करना। दो रोज तेरे घर रह चले संत जी महाराज, ओ बाबा करम सिंह जी महाराज दी संपर्दा दा टिम टमाउंदा सूरज खालसा दी अपनियां किरणां नूं जिवें सूरज छिपन ते जांदा अपनियां किरणां नूं भी नाल समेट लैंदा, ओ टिम टमाउंदा सूरज बाबा करम सिंह होती मरदान दी संपर्दा दा टिम टमाउंदा सूरज साध संसदा लई अलोप हो गया। गल करन वाली रह गई, ज्ञानी जैल सिंह उस समय पंजाब दे चीफ मिनिस्टर सी, इहनू पता लगा इह जहाज दे राही अगे भी महापुरखां दे हुंदे भी साध संगत शरीर करके भी बाबा जी दे इह बाबा जी दे चरणां 'च जाया करदा सी। साध संगत जी जदों गुरु की संगत ज्ञानी जैल सिंह होरां नूं पता लगा हैलीकॉप्टर ते उत्थे पुज्जे खालसा जी, ज्ञानी जैल सिंह होरां ने इह गल लाउड स्पीकर की बड़ी दूर तक आवाज जाती सी, किश्ती दे विच लाउड स्पीकर रख्या होया सी, बोलदे बोलदे ज्ञानी जी का गला रुक गया, बुल सुक गए और गुरु किस अखां दे विचों हंझू बह तुरे। गल करदे करदे ज्ञानी जैल सिंह ने यह गल कही कि चार वेद वर्मा जी ने उच्चारण किए सन, चार वेद वर्मा जी ने उच्चारण किए सन, संत ईश्वर सिंह पंजवां वेद सी, अज संत बाबा ईश्वर सिंह राड़ा साहब वालों के सचखंड जाण दे नाल रूहानीयत की दुनिया लगता संसार विचों सदा लई खत्म हो गई। खालसा जी जदों शरीर जल प्रवाह करना सी कोई महापुरख अरदास ना करे, आह संत बाबा मीहा सिंह सियाड़ वाले गुरु की संगत जो पिछले साल सचखंड गए ने, इन्हां महापुरखों ने साध संगत जी फिर अरदास की, अरदास करते करते ना जदों इत्थे पुजे ना हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट, इत्थे अरदास करते करते ना जदों महापुरखों ने अगे अरदास की ना अगे अरदास इस तरह की इन्नी की किसे बहरू काल पुरख इन्हां महापुरखों नूं अपने चरणों में निवास बख्शो। अरदास करते करते संत बाबा मीहा सिंह जी ने अरदास की, हे संत बाबा ईश्वर सिंह जी आप जी संसार का भला करन वास्ते, ऐ संत बाबा ईश्वर सिंह जी आप संसार का भला करन वास्ते पंज भौतक शरीर धारण करके इस मात लोक की धरती ते आए सी, बाबा जी आप संसार का भला करके अपने निज स्वरूप दे विच अभेद हो गए हो। पर अरदास करते करते संत मीहा सिंह होरां ने अगे अरदास की कि आप अपने निज स्वरूप विच अभेद हो गए हो पर महापुरखो कृपा करो साडे सिर ते मेहर भर हाथ रखियो साडी भी मालक ना निभ जाए। संतां दे संत प्यार दी मूर्त संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले, संत बाबा ईश्वर सिंह नानकसर वाले जिहड़ी संपर्दा विचों बाबा गेजा सिंह जी बैठे ने ओह जफ्फियां पा पा के मिलते सन, कदी संत बाबा ईश्वर सिंह ते संत बाबा ईश्वर सिंह नानकसर वाले ते संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले ओह जदों कितें मिलते लोग पुछदे ने चढ़दी कला, ओह चढ़दी कला कितें गल्लां ना हुंदी असीं ते इक निंदा ही नहीं छड़ सके, कहते असी तो जिंदगी तक निंदा ही नहीं छड़ सके। राड़ा साहब की चढ़ती कला का कारण जड़िया लोग संगत ने राड़ा साहब के दर्शन किए ने खालसा जी और संगत जानदियां ने उत की चढ़ती कला का कारण यह आ कि संत मारते होंगे भी संत मारते होंगे भी अज भी राड़ा साहब की धरती से हर संत संत मारते दर्शन कर जाता सी, उत्थे लखां साधुआं दे चरण पै ने, इत्थे दी चढ़दी कला दा भी इत्थे दी चढ़दी कला दे विच कई कई राज ने कई भेद ने, इत्थों हरिद्वार नेड़े पैंदी आ कह दिओ वाहिगुरू, इत्थों गंगा नेड़े पैंदी हरिद्वार नेड़े पैंदी है, सास संत ता संत ही ने सारे धर्म संत समूह अनेक मती के, इत्थे भी गुरु किसम बड़े बड़े कमाइयां वाले संत ऋषिकेश तों हरिद्वार तों आउंदे रहिंदे ने जांदे रहिंदे ने, कई बार कहते बाबा जी उत्थे कुटियां बना दो बाबा जी वहाँ पर जय कर दो, कई बार हसन लग जी दा बाबा जी हम भी संत हैं आप भी संत हो, बाबा जी हम भी आप जैसे हैं, अरे नहीं बाबा आपको पता नहीं है, यो जी एक तो गल कहते हैं जी करन वाली नहीं। खैर गुरु की संगत
संत बाबा ईशस नानक सर वाले, संत बाबा ईशस राड़े वाले, वह गलबकड़ियाँ पै जांदियां सन। गुरु की संगत जदों संत बाबा ईशस नानक सर वाले सचखंड गए ना, बड़ा समा महापुरख भोरा साहब दे विचों बाहर नहीं निकले। दमदमी टकसाल के मुखी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां खालसा, खालसा दी संत मार दे मेरठ दवान चल रहे सी, मेरठ दवान चल रहे सी मेरठ। संत बाबा गुरबचन सिंह जी दमदमी टकसाल के मुखी सचखंड चले गए, पर जो सचखंड गए ना, जो सचखंड गए, सचखंड जाने तो पहला महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने खालसा की 3 घंटे गुरु ग्रंथ साहब की कथा की। कह दो वाहगुरु, 3 घंटे गुरु ग्रंथ साहब की कथा करन तो बाद महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने अपने शरीर का त्याग करता। इधर महापुरख राड़े वाले मेठ की धरती से महात्मा पुरशों के दुमान चल रहे थे। गुरु की संगत किसी ने आके बेनती की, सेवादार ने, बाबा जी कुछ पता लगे, महात्मा अंतरजामी तो है ही, सब बिन बोलिया सब कुछ जानता, इन्नी कि गल की हाँ लगी आ। आख्या बाबा जी पता लगे, संत कहते की? आख्या बाबा जी दमदमी टकसाल के मुखी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा निरंकार के देश में चले गए हैं, पर बाबा जी वेखण वाली गल यह आ, वेखण वाली गल यह आ कि संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने अपना शरीर छड़न तो पहला ना, पहला कथा की ता शरीर छड़िया। महापुरखों ने ए दोनों हाथों की ताड़ी मारी, जब ताड़ी मारी तो संगत ने आख्या बाबा जी ताड़ी मारी ये भेद की आ। संत लगे कण प्रेमियो, जेकर कोई गुरु घर च सेवा करता संत, कह दो वाहरू, जेकर कोई गुरु घर च सेवा करता संत, वह सेवा करता तुरज, जे कोई कथा करता कथा करता तुरज, संत लगे कण जे कोई कीर्तन करता वह कीर्तन करता तुरज, समझ लो ओ संत अपनी जिंदगी दी बाजी जित के गया। संत लगे कह लगे वाह मरदा करके दिखाई आ, ताड़ी मारी ते नाल ए बचन कर दते। आख्या साध संगत जी ओ शरीर तक कथा करता गया, कहन तू भाव संत गुरबचन सिंह जी कह लगे ओ शरीर तक कथा करता गया। महापुरख राड़े वाले लगे कण प्यारियो ओ शरीर कथा करता गया, पर जब आ शरीर जाऊगा ना, अपने शरीर वाल इशारा कर दे। महापुरख लगे कहन जदू आ शरीर जाएगा यह कीर्तन करता ही जाऊगा। खालसा जी समा बीतता तुरिया जाता सी, कदे बचन करते, बड़ा समा हो गया, बड़ा समा होया, बड़ा समा हो गया, उत्थे मौत कित्थे रह गई सी, उत्थे मौत कित्थे सी, मौत गुरु की संगत कबीर संत मूहे क्या रोइए, कदे बचन करने बड़ा समा हो गया, बड़ा समा हो गया अपने पिता परमेश्वर तो विछड़िया नू, हुण तुर चलीए। बाबा अतर सिमर 60 साल की उम्र चले गए सन, उदू पहले बाबा करम सिंह होती मरदान आप जी भी कोई 65-70 साल की उम्र के गेड़ च गए, 65-66 साल की उम्र च संत मर बचन करया करन, आख्या करन। बाबा अतर सिंह 60 साल की उम्र तुर गए चले गए। उदू बाद पहले बाबा करम सिंह जी इन्नी उम्र चले गए, संत बचा बचन करया करन। मैं 70 साल का हो गया, पहले महापुरखा तो कित अगे लंघ गए, हुण जाना ठीक आ। सार संगत जी अपना घर अपना ही हुंदा, बड़ा समा होया अपने पिता परमेश्वर तो विछड़िया नू, इहो जे बचन करदे ने। जे कदे जथे वाले कीर्तन करदे ने पहला, संत क्या करदे सन, इहो जे शब्द पढ़िया करो। साधो रचना राम बनाई साधो प्यारे रचना, रचना राम बनाई साधो प्यारे रचना,
राम ने बनाई सातो प्यारे रचना रचना राम बनाई ओहदे शब्द पढ़न दा आदेश करना। 1975 नौ माघ दा मेला संत बाबा अतर सिंह ररू साहब वालियां दी बरसी महापुरखां दा अज स्टेज ते आउणा गुरु चरणां विच आउणा पहला भी आया करदे सन लखां दा इकट्ठ। अज पहली धारना सी पहला शब्द पढ़न तों बाद महापुरखां ने पहली धारना महापुरखां ने नौ माघ का मेला माघ में सर्दी होंदी है संत जी महाराज ये धारना पढ़न तो बाद बाबा जी ने बचन किए समझन वाले समझी जाते सन खालसा जी किसे नूं समझ पैंदी आ। बाबा जी ने बचन करन तो बाद क्योंकि सर्दी की रुत सी बड़ी ठंड पै रही सी सर्दी कहर ते सी ऐ धारना पढ़न तो बाद बाबा जी ने बचन किया गुरु नानक दी संगते आउंदे साल दीआं रजाइयां दा निग कोई मां दा पुत विरला ही माणूगा। बस खालसा जी इत्थों फिर जिथे जिथे दवान हुंदे रहे महात्मा पुरश महापुरख इहो जे बचन ही करदे रहे। एक ऐसा समा भी आया खालसा जी जदों इंग्लैंड इत्थे पटियाले दस उन्हां समयां दे विच इन्हों दिनों के इम्तिहान वगैरह हो जाते हैं गुरु की संगत बी ए सैकेंड ईयर के पेपर दते सी इत संत जी महाराज के पांच दवान लगे पांच दवाना तो बाद जो चार दवान साहब से समाप्ति हो गई पंजवा दवान ओदी भी समाप्ति हुई खीर ते महापुरखों ने एक धारना पढ़ी और तो बाद महापुरखों ने तबलान साहब महापुरखों का आश्रम पटियाले तो 9-10 किलोमीटर की दूरी पर पैंदा उत्थे जाना सी उत्थों राड़ा साहब तो तैयारी इंग्लैंड की करनी सी। इस कीर्तन के अखीर में महापुरखों ने आ शब्द पढ़िया भया पुराना चोला जी दिन थोड़े रह गए भया पुराना चोला महापुरखों ने यह शब्द पढ़िया मानो एक बहुत बड़ा इशारा सी। इतों बाबा जी तबलान साहब दसवीं सी
बड़े बड़े कौतक ने जो कहने विच नहीं आ सकते। ये तू राड़ा साहब पुजे छोटे संत महाराज जी बाबा किशन सिंह जी महाराज आप जी ने भोरे दे विच कोई गुप्त वार्तालाप हुई जदों दो महान हस्तियां एक समय दे एक गुरु दे दो सेवक दोवें ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने संत जी महाराज संत बाबा किशन सिंह होरां जी दे नेत्र प्रेम दे हंझुआं नाल भिजे होए सन। इत्थों महापुरख जदों राड़ा साहब तों लगे तुरन जथेदार महिंदर सिंह होरां ने बेनती की बाबा जी ये सच करके जाने हो महात्मा की दृष्टि विच बिना वहरू दे नाम तो कोई दूजी गल नहीं होया करती। जथेदार होरां बेनती की बाबा जी और राड़ा साहब वर्गे दवलान साहब वर्गे आ वड्डे वड्डे जो आप जी के आश्रम ने इन्हां डेरियां दा इन्हां आश्रमां दा की बनूगा। महापुरखां ने बचन किए जथेदारा तू डेरियां की गल करदा साडे ध्यान विच तां दुनिया ही नहीं खालसा जी दुनिया ही नहीं। इत्थों गुरु किसन महापुरख दिल्ली पुजे जदों दिल्ली तो जहाज ते चढ़ना सी गल बहुत लंबी आ एक वारी भी जदों गुरु की संगत एयरपोर्ट के अंदर गए ना एक वारी भी पिछे नूं मुड़ के नहीं देखे पिछे मुड़ के नहीं देखिया। त्याग की मूर्त राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी आ संत बाबा मोहन सिंह बराड़े वाले गुरु की संगत बराड़ा जमुना नगर जगाधरी के नेड़े पैंदा महापुरख राड़े वाले गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च बैठे सन। संत बाबा मोहन सिंह जी बराड़े वाले जो शरीर करके निरंकार दे देश नूं चले गए संत बाबा मोहन सिंह जी बराड़े वालिया ने कीर्तन करते करते आख्या सी साध संगत किसी ने अज राजे जनक के दर्शन करने ने राजा जनक अज भी है अज भी है। सारी संगत हैरान हो गई बाबा जी करवाओ दर्शन। फिर संत बाबा मोहन सिंह बराड़े वाले ने आख्या सी जेकर किसी ने राजे दर जनक के दर्शन करने ने संत बाबा ईशे सिंह के दर्शन कर लो खालसा जी। खैर समा बीतता तुरिया जाता सी महापुरख इंग्लैंड चले गए इंग्लैंड देखो किन्ना चाह सी खालसा जी अभी कई बचन सुनते रहे कुर्सी के जो बाबा जी कि कुर्सी के बचन करते सन कई ने कहना बाबा जी फलाना प्रेमी पुराना श्रद्धालु बाबा जी चढ़ाई कर गया। संतान ने कहना मैं क्यों ना तुर गया कबीर मोहे मरने का चाओ है कहने मैं क्यों ना तुर गया। खैर गुरु के संगत रहो बचार समा ज़्यादा आ गया नहीं दे समा आ गया नहीं दे रहा। इतों इंग्लैंड की धरती से पुजे उत लोगों बचन बिलास करते ने चंगे चंगे सियाने पुरशों मिलते आ कहते जेकर कोई भला इस धरती से शरीर त्याग जाए वह शरीर वापस इंडिया पंजाब जा सकता है। यही गल राड़ा साहब के अंदर गुरु की संगत छोटे संतान ने कही सी और श्रद्धालुओं ने कही सी बाबा जी जे शरीर का त्याग ही करना इत्थे कर दिओ इत्थे कर दिओ। संत लगे कहण जे असीं पंजाब शरीर छड़ दिता ना आ राड़ा साहब की नहर लाशां ना भर जूगी आ एडा वड्डा कट संगतां दा इह किसे गल पिछे आ। गुरु दी संगत कहिंदे आ लोकी बड़ा कट आ पर कलगी धर दा कुत्ता जे किते संगत नूं लोड़ पई संगत पिछे जान दे दूगा जान। इह किसे प्रेम दे बद्धे बैठे आ इह जिहड़ी संगत फिरोजपुर बठिंडा खेमकरन अमृतसर गुरदासपुर जिहड़ी संगत जलंधर रोपड़ जिहड़ी संगत कित्थों कित्थों दा जिक्र करिए चंडीगढ़ मुकदी गल की लखनऊ भोपाल उदयपुर बॉम्बे तो जिहड़ियां संगतां बाहरले देशां तों संगतां आईआं इह किते रोटियां खाण थोड़ियां आईआं कोई चाह पीण थोड़ियां आईआं ओह किसे प्यार दे प्यार दीआं बद्दीआं आईआं खालसा दी किसे प्यार दे बद्दीआं। प्रेम तो परे कुछ नहीं रह जाता प्रेम हदां नूं तोड़ दिंदा खालसा जी। माफ करना गुरु की संगत संत लगे कहण जे असीं इत्थे शरीर त्याग दिता आ राड़ा साहब की नहर लोग छालां मार मार के मर जाणगे खालसा जी। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने जदों शरीर का त्याग किया एक महापुरखां का सेवक सी गुरमुख सिंह कह दिओ वाहिगुरू जिस प्यारे सुनिओ तिस आगे मर चलीए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। गुरु किसन महापुरखां के सेवक ने
संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने आख्या बाबा जी आख्या बाबा जी मैं आख्या बाबा जी मैं थोड़े तो बिना रह नहीं सकता। बाबा जी लगे कर संत गुरबचन सिंह लगे कर प्रेमिया प्रेमिया अग दे विच सड़ के मरना जूंदे अग च सड़ के मरना गुरु नानक दे घर की मर्यादा नहीं। उत्थे संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस गुरमुख नाम के प्रेमी ने सेवादार ने बेनती की महाराज बाणी च तुक आउंदी आ जिस प्यारे सुने हो तो आगे मर चली है कि यह तुक गलत आ कि ठीक आ। संत जी महाराज लगे कर तुक तो ठीक आ गुरु की संगत फिर जो फिर तो गल आई तो संत लगे कर चंगा फिर तू अपनी मर्जी कर ली। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने जो अपने शरीर का त्याग किया ना खालसा जी महापुरशा का अंगीठा करके तैयार जो अंगीठे अगल भेट दिता किया गया अग ने लाइटा छड़िया अग दे भांबड़ मचे इधर गुरमुख सिंह नां दे सिख ने अरदास करके मचदी अग दे विच चार परिक्रमा करके छाल मारती कल तड़ी इतों महापुरख लगे कर नहर भर जूगी लाशा दे नाल। खैर गुरु की संघ इंग्लैंड पुज के महापुरख गुरु की संघ ऐसा पुछते हैं आ बाणी जो तुक आउंदी जैसा अमृत तैसी बिख खाटी बिख कहिंदे ने यार नूं आ सैनड वगैरह जिहड़े लोग खा के मर जाते हैं यार किसी ने किसी उत्थे दे लोग ने जिहड़े सरदार लश्कर सिंह होरी जाणदे ने किहो किहो जिहे लोगों ने उत्थे वाह पैंदा उन्हां कंट्रियां च उत्थे दे लोग एक पॉइजन लैके आ गए बाबा जी कोल पॉइजन वह सैनड ही कह लो वह पॉइजन इहो जी सी जिहड़ा जबान ते रखदा सी रखदे सारी मौत हो जाती सी। बाबा जी को लैके आए आके बेनती की बाबा जी पहला तो गुरबाणी की तुक पढ़ती बाबा जी जैसा अमृत दैस तैसी बिख खाटी बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी वास्ते अमृत यार एक बराबर होंदा कि सच आ संत लगे कहन बिल्कुल सच आ गुरु साहब कहते झूठ थोड़ी कहते सच आ इन्हें आख्या बाबा जी आ यार है एक यार हुण मेरे वर्गा कच्चा पिल्ला हुंदा खा लैंदा कि बोलते नहीं ऐसे संपर्दा दे चमकते सितारे बाबा आया सिंह होती मरदान वाले खालसा जी जिन्होंने दो वारी यार दिती गई पिछे पई पैस हुण कुछ इहो जे लोग भी होंदे ने दो वारी यार दिती गई जदों दो वारी यार दिती गई महात्मा पुरशां ने वह दोवें वारी जिहड़ी यार सी दुध च मिला के दिती गई संत बाबा आया सिंह होरां ने वह दुध छकण तों बाद ना गुरु की संगत अपने योग विद्या के बल के नाल सिमरन भजन की शक्ति दे नाल उस यार दे प्रभाव नूं खत्म कर दिता। जदों तीजी वारी यह प्रेमी यार लैके आया ना तो बाबा आया सिंह कहिंदे ने आ भी तेरी भी इच्छा पूरी कर दी है कई साल हो गए ने साडे पिछे पै। खैर गुरु की संगत संत जी महाराज बाबा जी ने बेनती की बाबा जी आ यार इहदा कोई टेस्ट नहीं दस सकता इहदा कोई स्वाद नहीं दस सकता ओ महापुरख राले वाले सदियों से रोती है नरगस अपनी बेनूरी पे बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में पैदा दीदावर आख्या बाबा जी का कोई टेस्ट नहीं दस सकता जिहड़ा इस पॉइजन नूं अपनी जबान ते रखदा जबान ते रखदे मौत हो जाती। संत कहिंदे लियाओ महापुरख लगे कर लियाओ बाबा जी ने तली अगे नूं वधाई जो तली अगे नूं कीती कहिंदे लियाओ उन्हें थोड़ी जी रखी बाबा कहिंदे ज़्यादा रखो वह सार सार का मार के फक्का तो कहिंदे थोड़ी जी होर दिओ जी जदों दोबारा सार से लैके ना वह पॉइजन जिहड़ी जबान ते रखते सार जी नूं मौत हो जाती सी खल तुहाडी जदों दूजा फक्का मारिया तो संत मारे कहिंदे ने कुछ बक बक आ जाया स्वाद इहदा ओह महापुरख सन खालसा जी खालसा जी कहन लगे कोई स्वाद इहदा बक बका जिहा उत्थे लोगों नूं पुछदे ने जे कोई इत्थे इंडिया का बंदा शरीर छड़ जाए वैसे कहन लगे महात्मा का तां कोई फुरना नहीं हुंदा संगतां दी इच्छा हुंदी है कि महात्मा दे शरीर दे अंतम शरीर दे दर्शन हो जाण इस तरह गल्लां करदे ने। खैर गुरु की संगत उत्थे समां बीतदा तुरिया गया वुलवरहैम्पटन तों 150 मील की दूरी ते मैनूं इस धरती ते जाण दा मौका मिलिया है कई बारी सुभाग मिलिया गुरु की संगत इस स्थान दे दर्शन करन दा भी वुलवरहैम्पटन तों 150 मील की दूरी ते संत मारे किसी प्रेमी दे घरे बैठे ने वचन करदे करदे महापुरख लगे कण प्रेमीओ तुहाडे घरे शरीर छड़ दीए बड़ी वड्डी गल सी ए दुख सहना कि खालसा जी सौखा
आख्या बाबा जी ने तुहाडे घरे शरीर छड़ दिए, वह सारा परिवार आने लग गया, सारा टब्बर आने लग गया। संत जी मार लगे कह कहते रोंदे कंधू कानू, तुसी क्यों रोंदे हो, क्यों रोंदे हो तुसी? जिस धरती ते असी आ शरीर का त्याग करना, वह धरती इतों 150 मील की दूरी पर साडा इंतजार कर रही है। खालसा जी साडी संपर्दा दे विच संत बाबा भगवान सिंह रेरू साहब वाले, संत बाबा अतर सिंह रेरू साहब, संत मरदू पहले महापुरख, इन्हां दे स्थान ते संत बाबा अतर सिंह रेरू साहब दुराहे ते सानेवाल दे विचाले पैंदा, कदे समा बनिया ते दर्शन करावांगे। गुरु किसन संत बाबा भगवान सिंह जी अज महापुरख राड़े वालिया ने 26 अगस्त तो पहला 18 दिन शरीर छड़ना सी। अमृत वेले उठ के संत भगवान सिंह होरां ने सिकेसी इशनान करके ना अरदास कीती, ए गरीब नवाज गुरु नानक सच्चे पातशाह जीओ कृपा करो, कृपा करो मेरा वीर मेरा वड्डा भरा ईशर सिंह वलैत दे विच संगतां दा भला करन वास्ते गया, उहनां दी शरीरक उम्र अज खत्म है। संत भगवान सिंह की 18 दिन उम्र रही सी। खालसा जी कह दिओ वाहिगुरू। बेनती की गुरु ग्रंथ अमर के चरणों च खड़े होकर अरदास की, महाराज कृपा करो मेरी 18 दिन की उम्र संत ईशर सिंह लग जाए। खालसा जी संत भगवान सिंह होर ने शरीर त्याग दिता। गुरु किसन जो शरीर त्यागता उधर संत महाराज वलैत दे विच पता लगा कि संत भगवान सिंह जी संत जी महाराज न सेवादारा दस्या बाबा जी संत बाबा भगवान सिंह सचखंड चले गए ने, निरंकार के देश में चले गए ने। संत बाबा ईश्वर सिंह राड़े वाले लगे कह भाई टैलीफोन तो सवेरे आ गया सी, महापुरख लगे कह प्रेमियों गड्डी तो इंग्लैंड तो पंजाब नू चलनी सी। गड्डी तो इंग्लैंड तो पंजाब नू चलनी सी पर गड्डी पंजाब तो इंग्लैंड नू चल पई, पाप जाना तो असी सी, चले संत भगवान सिंह है। संत मर लगे कह चंगा असी मुड़ दी गड्डी ते चले जावांगे। खालसा जी अज महापुरखों का अखीरला दीवान वुलवरहैम्पटन की धरती ते 25 अगस्त वह समा खालसा जी रब ना करे खालसा जी उन्होंने पुछ के देखो खालसा जी माफ करना किसी का कोई मित्र प्यारा विछड़ जाए, किसी का चढ़ती जवानी पुत विछड़ जाए, किसी का भरा विछड़ जाए, उन्होंने पुछ के वेखो खालसा जी विछोड़े का दुख कहोजा हों। अज 25 अगस्त की रात महापुरख राड़े वाले कीर्तन करते करते कीर्तन के बच्चे कह दिता 26 तरीक का अगे दवान थी आख्या गुरु नानक दी संगते अज लगता तुहाडा कल का कीर्तन बाकी जो रहिंदा सी वह रह गया, ये लगता रह जाना। खालसा जी कट के 4 दहाड़े कूंजा तुर चलिया, कूंजा तुर चलिया, कट के 2 दिन अखबारों गुरु किसन थां थां ते जंगल की अग दे वांगू संत महाराज का जाना जंगल की अग वांगू सारे देशों दे विच फैल गया। जिते जिते महापुरखों का कोई श्रद्धालु सी कोई मत्थे ते हाथ मार के रोंदा सी
कोई दिल ते हाथ धर के बह गया, कोई गोड्यां ते सिर रख देने फुल खेलू बना दे। जे मैं रोंदियां सारा जग रोंदा है, रोंदे ने फुल खेलू बना दे। वापस नहीं आए सज्जन परदेस, बस नहीं आए सज्जन परदेस गए, ओ गए मुड़ के वापस we
कदे इस स्थान का नाम गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार रखिया सी। लोग मजाक करया करते सन, हसया करते सन। इस जनवरी तो बाद अगले साल की आँदी जनवरी नूं इत्थे दरबार साहब की जो रचना की जा रही है, 250-250 फुट डूंगियां जिहदियां नीहां होणगियां। आउण वाले जमाने के लोग जिवें दुनिया लोग ताजमहल नूं देखण वास्ते जांदी ना, 10,000 बंदा तां सिर्फ गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर दरबार नूं रोज़ दा वेखण वास्ते आया करेगा। कल हर बंदे दी जबान तू ए आवाज़ एक बारी जरूर निकलिया करेगी, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। गुरु नानक दी संगते दास तुहाडे चरणां दी धूड़ है। तुसीं अरदास करिया करो,